और निकाल ले जवाब क्या और बड़ा कर नहीं होता हेलो दोस्तों, ये देखिए हम लोग आए हैं नए जगहों पर रेस्क्यू करने के लिए। फ़ोन आया था बता रहे थे कि सांप बहुत काफ़ी बड़ा है, घर में काम लगा हुआ है पाइपलाइन का, और जो काम कर रहे थे मजदूर वही लोग देखे हैं और बताए हैं, और फिर फ़ोन किए हैं कि आइए यहाँ पर सांप बहुत बड़ा निकला है। तो हम लोग आए हैं रेस्क्यू करने के लिए, देखते हैं कि कौन सा सांप है और कितना बड़ा सांप है, क्योंकि देखने के बाद मालूम चलेगा कि सांप जहरीला है कि नहीं जहरीला है। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा बना था और कैसा होना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके। देखते हैं। हाँ तो देखो दोस्तों, हम लोग आ भी गए हैं और ये देखिए, ये ईंट के नीचे दिखा रहा है, आप देख भी सकते हैं, ये कोबरा सांप है, ये कोबरा प्रजाति का सांप है और ये काफ़ी जहरीला भी होता है। और देखते हैं कि कैसे रेस्क्यू करते हैं और बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नाक जो है बहुत ही बड़ा है, दिख भी गया है, इस ईंट के नीचे है और आप भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सांप बहुत ही जहरीला होता है, देख सकते हैं कि कितना खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए ये देखिए, इसको पकड़ भी लिए हैं, पकड़ कर देखिए इसको निकालेंगे बाहर, देख सकते हैं कि कोई भी हो इतना बड़ा कोबरा नाक को देखेगा तो डर कर सहम जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इतना जहरीला होता है कि अगर ये किसी भी व्यक्ति को काट ले, अगर किसी भी व्यक्ति को काट ले तो अगर समय से इलाज ना हुआ तो उसकी मौत भी हो जाएगी। देखिए कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो वार कर रहा है और कितना बड़ा है। तो सच में बहुत ही जहरीला है और काफ़ी बड़ा भी है। अब तक के मैं जितने भी वीडियो बनाया हूँ उन सारे वीडियो में से एक कोबरा सांप बहुत ज़्यादा बड़ा है और बड़े के साथ साथ मैं बता दूँ जहरीला भी बहुत है। देख सकते हैं कि वार कैसे कर रहा है, भीड़ भी काफ़ी लगी हुई है। आपको बता दूं कि आप लोग कभी भी इस सांप से कोई लापरवाही ना करें और इस सांप से बहुत बच कर रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। देखिए रेस्क्यू कर रहे हैं लेकिन ये उनको दौड़ा रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है। बाप रे, बहुत ही डेंजर है। देखो इसको
आप लोग की जो डिब्बा दिख रहा है, इस डिब्बे में इसको बंद करेंगे और बंद करके कि फिर इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद इसको जंगलों में जाएंगे और इसको छोड़ेंगे। और आपको हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा यही होगा कि हम लोग सांपों को रिलीज कैसे करते हैं, और रिलीज करके बाद दिखाएंगे और जंगलों में कई जगह छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं वो ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो वही होगा। और आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि हम लोग नए वीडियो के साथ नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे, सांपों के बारे में जानकारी बिल्कुल देते रहेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिए और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हाथ डाल के मासे मटके देखे कुछ फसल से लागे बा बात के मत सुन ना, वीडियो खराब होते से गाजिया के गन दुरिया हो यहां से बैठ कर भीड़ अपन तरफ जंगल में छोड़ा लगले जो कैमरा दूरी जाते के लगते जाते गाड़ी से लेके गायन रंजी भैया कहां डब्बा आ।